गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज इसी क्रम में आज हम यहां पे पहुंच गए हैं मध्यकालीन भारत वाले पोर्शन पर। और देखिए, मध्यकालीन भारत के लिए हमने जो है सतीश चंद्रा जी की किताब उठाई है। और सतीश चंद्रा जी की किताब ये यहां पर तो है पढ़ा ही रहा हूं, इसके अलावा ये आपके ओल्ड एनसीईआरटी वाले सिलेबस में भी है। यानी सतीश चंद्रा जी की किताबें जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी में भी पहले चलती थी, एनसीईआरटी में चलती थी, अब नहीं चल रही है। लेकिन अब वो उनकी किताबें जो है, यानी कि एक नया पब्लिकेशन है ओरिएंट ब्लैक स्वान करके, तो उसने उनकी वो किताबें वही कंटेंट जो है सेम उसमें पब्लिश किया है। तो चाहें तो आप, अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स नहीं मिल रही है, तो आप ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की पुस्तक से हैं, सतीश चंद्रा जी की बुक है वो खरीद सकते हैं वहां से। ठीक है, दोनों का कंटेंट सेम है। तो आज इसी क्रम में आज आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो आज यहां पर आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और समरी भी जानेंगे यहां पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग मध्यकालीन भारत से तो कम से कम एटलीस्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यानी जिन लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स नहीं बनाए और ये सोच रहे थे कि मध्यकालीन भारत और हम मॉडर्न बनाएंगे, तो आप मध्यकालीन से तो जुड़ जाइए। अगर अब भी आप थोड़ा सुस्त रहेंगे तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अब तक रूरल अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारा डेली यूपीएससी करंट अफेयर सीरीज चल रहा है, तो वो आपको यहाँ पे डेली सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आज आपका चैप्टर नंबर 1 है, अध्याय 1 है, भारत और विश्व। देखिए, यहाँ पर मैंने एनालिसिस किया, इन्होंने पहला चैप्टर जो भारत और विश्व रखा है, उसे रखने का प्रयोजन ये था क्योंकि इन्हें समकालीन, हमारे भारत के समकालीन जो अर्थ वो रही है, यानी कि समकालीन साम्राज्य रहे हैं, वो दिखाना है कैसे वो समकालीन साम्राज्य जो थे बाद में आके भारत में आके मिल गए, भारत में आके उन्होंने आक्रमण किया, भारत में यहाँ पर शासन किया। तो वो दिखाने के उद्देश्य से इन्होंने पहला चैप्टर जो है वो विश्व इतिहास के पोर्शन से रख दिया है। ठीक है, देखिए, यूरोप, उस समय यूरोप की कंडीशन क्या थी। देखिए, यूरोप में 6वीं सदी की 3री-4वीं चौथाई तक एक शक्तिशाली रोमन साम्राज्य, जिसे यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र को एक किया था, ये दो भागों में बढ़ चुका था। यानी यूरोप में 6वीं सदी की 3री-4वीं चौथाई, 6वीं सदी की 3री-4वीं चौथाई का मतलब क्या है, मतलब ये है यानी 575 ईस्वी के करीब, 575 ईस्वी के करीब। 6वीं सदी से अभिप्राय क्या है, 6वीं सदी से अभिप्राय ये है कि यानी कि 501 यानी 500 से लेकर 599 ईस्वी तक का जो समय है ये बोला जाएगा 6वीं सदी। ठीक है, नहीं, 6वीं सदी का समय यही बोला जाएगा, 6वीं सदी का समय बोला जाएगा। तो इसमें आगे लिख रहा है 3री-4वीं चौथाई, 3री-4वीं चौथाई का मतलब क्या होगा, यानी थर्ड, यानी अगर 100 का 3/4 जो करेंगे, 3/4 हम करेंगे तो क्या पाएंगे, 75 पाएंगे हम। तो यानी 575 ईस्वी, यानी 575 ईस्वी के समय में ये साम्राज्य जो है वो विघटित हो गया है। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए समझते हैं इन डेटों को। ठीक है, तो इसमें राइटर ने यही लिखा है कि यूरोप में 6वीं सदी की 3री-4वीं चौथाई तक एक शक्तिशाली रोमन साम्राज्य था, वो दो भागों में डिवाइड हो गया था। ठीक है, और ये इसका एक भाग जो था वो पश्चिमी भाग कहलाया, और जिसकी राजधानी क्या थी, रोम थी, और दूसरा भाग इसका जो था वो पूर्वी भाग कहलाया। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आप यहां पर यही नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट, यूरोप में 6वीं सदी की 3री-4वीं चौथाई, ब्रैकेट में लिख लेना 575 ईस्वी तक, ब्रैकेट में 575 ईस्वी तक, शक्तिशाली रोमन साम्राज्य जिसने यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र को एक किया था, दो भागों में बट चुका था। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब पहला सब पॉइंट, इसमें पहले पॉइंट का पहला सब पॉइंट, देखिए, पश्चिमी भाग जिसकी राजधानी रोम थी, यानी पश्चिमी भाग जो था इसकी राजधानी रोम थी। और देखिए, इस भाग के चर्च को यहां पे देखिए, जो आपने पहले पढ़ा था क्लास 9th में, हमने देखा था कैथोलिक और जो आपका ऑर्थोडॉक्स वाले चर्च थे, तो वो यहीं से नींव पड़ी थी, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स वाली। तो पश्चिमी भाग में जो चर्च थे, यानी पश्चिमी भाग के जो पादरियों के पूजा स्थल थे, वो कैथोलिक चर्च कहलाए, कैथोलिक चर्च। ठीक है, ये लिख लेना, कैथोलिक चर्च कहलाइए। ठीक है, तो इसी में नोट कर लेना आप, पहले का सब पॉइंट, पश्चिमी भाग की जिसकी राजधानी रोम थी, ठीक है, इस भाग के चर्च को कैथोलिक चर्च कहा जाता था, इस भाग के चर्च को कैथोलिक चर्च कहा जाता था। ये पहला आपका सब पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए, यहां कैथोलिक चर्च था, यहां पर कोई ज्यादा बड़ा शासन नहीं था, यानी कैथोलिक चर्च वालों का ही यहां पर शासन चलता था जैसे जैसे करके। अब चलिए यहां पे अब सेकंड सब पॉइंट इसका देखते हैं। अब इसके पूर्वी भाग में, यानी रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में जो स्थित हुआ, वो स्थित हुआ, पूर्वी भाग की राजधानी थी बैजंतीन, और या फिर कुस्तुंतुनिया में थी, यानी कि प्राचीन जो पूर्वी इसका भाग था उसकी राजधानी बैजंतीन या कुस्तुनिया में थी, और इस साम्राज्य को बैजंतीनी साम्राज्य बोला जाता था उस समय। ठीक है, और इसमें पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग आता था, इसमें जैसे तुर्की है, इसके अलावा तुर्की, सीरिया, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका भी इसमें शामिल थे। तो सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे आप, पहले पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट, के पूर्वी भाग की राजधानी बैजंतीन या कुस्तुंतुनिया में थी। ठीक है,
अब देखिए सेकंड सब पॉइंट का ही सब पॉइंट है, सेकंड सब पॉइंट का ही सब पॉइंट है। इस तरह से इस साम्राज्य को बैजंतीनी साम्राज्य कहा जाता था, इस साम्राज्य को बैजंतीनी साम्राज्य कहा जाता था। ठीक है, अगला सब पॉइंट इसी में ही है। इसमें पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग तथा साथ ही आधुनिक तुर्की, सीरिया और मिस्र समेत उत्तरी अफ्रीका शामिल थे। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। अब सेकंड सब पॉइंट का थर्ड सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट का थर्ड सब पॉइंट है कि पूर्व के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था। आपने पढ़ा था जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे तब आपने ऑर्थोडॉक्स, और रसिया में पहुंचे तब आपने पढ़ा था ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक के बारे में। जब आप पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ की जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन था वो पढ़ रहे थे, तो वहां आपको ये सब्जेक्ट मिला था आपको। ठीक है, तो इसी में सेकंड सब पॉइंट का पॉइंट लिख लेना आप कि पूर्व के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नोट डाल के एक बात यहाँ पे लिख लीजिए, जो पूर्व वाला पोर्शन है यहाँ पर, यानी कि इसके जो पूर्व वाला पोर्शन है ये जो कि ऑर्थोडॉक्स वाला पोर्शन था, तो रूस ने जो है अपना रशिया जो है ये यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च और बैजंती शासकों के प्रयासों के कारण ये है यहाँ पर ईसाई धर्म का फैलाव हुआ। यानी कि जो रशिया के लोग थे वो पहले वैदिक आर्य थे, यानी कि वो लोग ईसाई धर्म के फॉलोअर नहीं थे, बाद में ऑर्थोडॉक्स चर्च के संपर्क में आके और बैजंती शासकों के संपर्क में आके ये लोग ईसाई में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो नोट में आप यही लिख लेना, रूस ने यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च और बैजंतीनी शासकों के प्रयासों के कारण ही ईसाइयत को अपनाया। ठीक है, ईसाइयत को अपनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इसका पतन कैसे हुआ, यानी कि इस जो साम्राज्य था इस साम्राज्य का पतन, देखिए कोई भी चीज होती है वो चरम पे पहुंच के उसका पतन जरूर होता है। तो 15वीं सदी में आते आते ये कुस्तुनिया जो साम्राज्य था, यानी बैजंतीनी साम्राज्य था, इसको तुर्कों ने जीत लिया और इसका फिर पतन हो गया। यहीं पर इसका जो है यहीं पर दी एंड हो गया। ठीक है, तो आप नोट कर लेना आप इसी में सब पॉइंट आप नोट कर लेना आप। ठीक है, कहाँ गया, सॉरी, ठीक है वो स्लाइड कट गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो आपका ये पॉइंट है, यानी कि सेकंड सब पॉइंट चल रहा था, पहले पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट उसका नोट आ गया था, तो सेकंड सब पॉइंट में हमने तीन सब पॉइंट लिख लिए थे, इस तरह से तीन लिख लिए थे। चौथा सब पॉइंट सेकंड सब पॉइंट में ही लिखेंगे, चौथा सब पॉइंट है। ठीक है, चौथा सब पॉइंट है, ये सेकंड सब पॉइंट में ही चौथा सब पॉइंट और है, इसी में लिखेंगे 15वीं सदी के मध्य में। कब, 15वीं सदी के मध्य में लिख लेना आप, 15वीं सदी के मध्य में कुस्तुनिया को तुर्कों ने जीत लिया तो इसका पतन हो गया। यानी जो आपका बैजंतीनी है या कुस्तुनिया साम्राज्य है इसको तुर्कों ने जीत लिया, इसके साथ ही इस साम्राज्य का पतन हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 15वीं सदी के मध्य में जब कुस्तुनिया को तुर्कों ने जीत लिया तो इसका पतन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो ये साम्राज्य थे इन साम्राज्यों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जैसे बैजंतीन साम्राज्य जो था इसने यूनानी रोम सभ्यता और अरब जगत के बीच एक पुल का काम किया, और आगे चलकर पश्चिम में यूनानी ज्ञान विज्ञान के जो है विकास में भी इसने काफी मदद पहुंचाई। ठीक है, यानी काफी कुछ इस साम्राज्य से लोगों का आदान प्रदान हुआ, काफी सारी चीजें थी, काफी सारे वैज्ञानिक तथ्य इस साम्राज्य के जरिए नए नए लोगों तक पहुंचे। अब देखिए यहां पर इतिहासकार जो है वो काफी सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो समय था, सेकंड पॉइंट है, यानी इतिहासकार एक लंबे समय से 6वीं सदी से 10वीं सदी तक के जो मध्य भारत के यूरोप के काल हैं इस काल को अंधकार युग कहते आए हैं। यानी इस काल को उन्होंने अंधकार युग माना है। उनका मानना यह है कि यूरोप में उस समय ऐसा कुछ भी विकास नहीं हुआ था, ऐसा कोई अच्छा सा साम्राज्य जो है खड़ा नहीं हुआ था जो हम ये कह सकें कि यहाँ पर जो है बहुत अच्छा समय चल रहा था। तो उन्होंने, इतिहासकारों ने इसे अंधकार का युग माना है। लेकिन जैसे ही 12वीं और 14वीं सदी आती है वैसे ही पश्चिमी यूरोप एक बार से फिर से समृद्ध हो गया, यानी वैसे ही पश्चिमी यूरोप का जो व्यापार था ये सब था ये फिर से समृद्ध हो जाता है, और पश्चिमी यूरोप में फिर से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नगरों का विकास, इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटी वगैरह जो है वो खोली जाती हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, इतिहासकार एक लंबे समय से 6वीं से लेकर 10वीं सदी तक के काल को अंधकार युग कहते आए हैं। सेकंड का सब पॉइंट, 12वीं से 14वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप एक बार फिर समृद्ध हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे फ्यूडलिज्म का उदय, यानी फ्यूडलिज्म जो वर्ड है ये इसका मतलब क्या है, फ्यूडलिज्म का उदय कहां से होता है। ठीक है, ये हम यहां पे अब जानेंगे। देखिए रोमन साम्राज्य के जो विघटन के बाद एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था का उदय हुआ जिसका नाम था फ्यूडलिज्म। ठीक है, तो पहला पॉइंट अब आप नोट कर लेना कि रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में ये कहां पे थी, पश्चिमी यूरोप में थी, ये अंडरलाइन और कर लेना कहां पे थी, पश्चिमी यूरोप में, कि पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज और नई शासन व्यवस्था फ्यूडलिज्म, यहां पे लिख लेना, यहां पे ऐड कर लेना, फ्यूडलिज्म का जन्म हुआ। ठीक है,
रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नई प्रकार के समाज और नई शासन व्यवस्था फ्यूडलिज्म का उदय हुआ। देखिए फ्यूडलिज्म जो है लैटिन शब्द फ्यूडम से उत्पन्न हुआ है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है फीफ। ठीक है, देखिए उस समय था क्या, फ्यूडलिज्म की अवधारणा आई कैसे। फ्यूडलिज्म यह था कि उस समय जो राजा होते थे, राजा के तमाम सामंत वगैरह होते थे, तमाम कुलीन वर्ग के सामंत वगैरह होते थे, तो सामंत वगैरह जो होते थे वो आपस में लड़ते रहते थे, यानी लड़ते रहते थे। कभी कभी स्थिति ये आ जाती थी कि वो अपने राजा की अवमानना ही कर देते थे। तो इसके लिए क्या तरीका निकाला गया, इसके लिए ये तरीका निकाला गया कि राजा ने उन्हें अपनी भक्ति की एक शपथ दिलाई कि आप अपने राजा के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहेंगे, यानी आपके राजा का जो ऑर्डर होगा आप उसे ही फॉलो करेंगे, किसी और से आपको लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके यानी कि उन्होंने शपथ ली। शपथ लेने के बाद फिर क्या था, जो उनके प्रांत थे उसे राजा ने फीफ के रूप में डिवाइड कर दिया कि भाई ये आपका फीफ है, ये प्रांत है, आप इस पर यहाँ पे सामंत जो शासन है वो यहाँ पे शासन करेंगे और हम लेकिन हमारी देखरेख में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्यूडलिज्म का उदय होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करेंगे इसी में अब सेकेंड पॉइंट, फ्यूडलिज्म सेकेंड पॉइंट है, फ्यूडलिज्म लैटिन शब्द फ्यूडम से उत्पन्न हुआ है जिसका अंग्रेजी अनुवाद फीफ होता है। यानी फ्यूडलिज्म जो है ये लैटिन शब्द फ्यूडम से उत्पन्न हुआ है जिसका अंग्रेजी अनुवाद फीफ होता है। ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने सेकंड पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट यहां पे लिखेंगे आप, थर्ड पॉइंट मैं बोलता जा रहा हूं कि राजा अपने शक्तिशाली सरदारों पर अंकुश लगाने के लिए, राजा अपने शक्तिशाली जो है, देखिए फीफ की हिंदी होती है, फीफ की मैं हिंदी और बता दे रहा हूं, फीफ का मतलब होता है जागीर, फीफ का मतलब जो है वो है जागीर, ये भी आप ध्यान रखिए। फीफ की जो हिंदी है, अंग्रेजी में फीफ कहते हैं और हिंदी में फीफ को जागीर बोलते हैं। ठीक है, फीफ की हिंदी होती है जागीर। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे आप कि राजा ने अपने शक्तिशाली सरदारों पर अंकुश लगाने के लिए इस नीति को अपनाया, यानी राजा के शक्तिशाली सरदार थे वो आपस में लड़ते रहते थे, उससे सामाजिक अराजकता की स्थिति पैदा होती थी, उससे निपटने के लिए राजा ने जो है फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया। ठीक है, यानी उन्हें एक तरह से उन्हें शपथ दिलाई गई कि आप अपने राजा के प्रति निष्ठावान रहेंगे, आपको आपके बगल की कोई जागीर है उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपको अपने राजा की सुननी है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता कहां है, लोगों ने कहां सुनने वाले थे। तो थर्ड पॉइंट यही है कि राजा ने अपने शक्तिशाली सरदारों पर अंकुश लगाने के लिए इस नीति को अपनाया। ठीक है, थर्ड का सब पॉइंट नोट करेंगे, राजा सरदारों को अपना वेसेल या अधीनस्थ बनाकर उनसे अपने प्रति निष्ठा की शपथ लेता था और बदले में उनके कब्जे वाले इलाकों को उनकी फीफ के रूप में, जागीर के रूप में मान्यता देता था। ठीक है, थर्ड का सब पॉइंट यही है कि राजा सरदारों को अपना वेसेल या अधीनस्थ बनाकर, वेसेल का मतलब होता है अधीनस्थ बनाकर उनसे अपने प्रति निष्ठा की शपथ लेता था और बदले में उनके कब्जे वाले इलाकों को उनकी फीफ के रूप में मान्यता देता था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो फीफ वाली व्यवस्था थी इसमें कहीं ना कहीं जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग का ही पूरा हाथ था, क्योंकि सामंत लोग थे जिनके पास जागीरें थी वो सब कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोगों के हाथ में जागीरें थी। फिर कुछ समय बाद स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि कुलीन वर्ग लोग जो थे इसे पैतृक बना लिया, यानी कुलीन वर्ग ने अपना ये पद था फीफ वाला, जागीर प्रथा वाला पद था, इसे पैतृक बना लिया, यानी कि इसे पूरे जमीन से संबंधित नहीं रहा, फिर तो पैतृक बन गया, जैसे राजा का पद होता है आनुवांशिक, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी इसे पैतृक बना लिया। ठीक है, तो यहां पर आप अगला पॉइंट नोट करेंगे, चौथा पॉइंट, इस तरह फ्यूडल व्यवस्था में शासन पर एक भूस्वामी कुलीन वर्ग का वर्चस्व था। ठीक है, कुलीन वर्ग का वर्चस्व था। चौथे का सब पॉइंट, यह कुलीन वर्ग जल्द ही पैतृक बन गया और उसने हर कोशिश की कि कोई भारी व्यक्ति उसकी कतार में ना आ सके, यानी कि उसने हर कोशिश यही की कि कोई भारी व्यक्ति है वो इस हमारी कतार में ना आ सके, यानी उसे फीफ का पद ना मिल जाए, यानी उसे राजा जो है जागीर प्रदान ना कर दें। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया कि एंड में आते आते पद जो है कुलीन हो गए। ठीक है, चौथे का सब पॉइंट नोट कर लेना आप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखिए फ्यूडल व्यवस्था में जो हमें है यहां पर दो विशेषताएं भी जुड़ी थी, यानी फ्यूडल व्यवस्था की जो है से दो व्यवस्थाएं भी जुड़ी थी और इनका बड़ा ही महत्व भी है फ्यूडल से जुड़ी व्यवस्थाओं का, तो नोट कर लेना आप, फ्यूडल व्यवस्था से दो और विशेषताएं भी जुड़ी थी। ठीक है, अब इनमें पहली विशेषता कौन सी थी, तो पांचवें का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे, पहली सब विशेषता है सर्फडम। ठीक है, सर्फडम अंडरलाइन करके डैश आगे लिखेंगे इसमें। देखिए सर्फ जो था, सर्फडम, सर्फ एक ऐसा किसान होता था जो जमीन जोतता बोता था और अपने स्वामी या सरदार की आज्ञा के बिना अपना पेशा नहीं बदल सकता था, किसी और इलाके में नहीं बस सकता था या शादी नहीं कर सकता था, एक तरह से आप ये मान लीजिए दास होता था।
यानी कि सीधे सीधे शब्दों में हम ये कहें कि दास प्रथा का जो दास का नाम था वो चेंज करके उन्होंने सर्वडम रख दिया, ठीक है। यानी कि इस पूरे लाइन से अर्थ यही समझ में आ रहा है, यानी कि उसे ना जमीन जोतता था, बोता था, वो सब अपने स्वामी की मर्जी से करता था और अपने रूप में वो स्वतंत्र नहीं था, यानी अपने आपसे वो डिसीजन नहीं ले सकता था। इसका मतलब क्या हुआ, वो दास हुआ, ठीक है। यानी उसका नाम पश्चिमी यूरोप में जो है वो सर्वडम रखा गया है, ठीक है। तो सर्वडम में ही लिख लीजिए आप कि सर्फ ऐसा किसान होता था जो जमीन जोतता बोता था पर अपने स्वामी या सरदार की आज्ञा के बिना अपना पेशा नहीं बदल सकता था, किसी और इलाके में नहीं बस सकता था या शादी नहीं कर सकता था, ठीक है। ये पूरा नोट कर लेना, ये सर्फडम था। अब देखिए सेकंड व्यवस्था क्या थी, पांचवें का सेकंड सब पॉइंट है। अब देखिए सेकंड व्यवस्था जो थी वो थी मैनर, सेकंड सब व्यवस्था जो थी वो मैनर थी, मैनर लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना। देखिए मैनर में क्या होता था, देखिए मैनर जो था ये किला या हवेली होती थी जहां पर लॉर्ड या स्वामी का निवास होता था। देखिए मैनर की व्यवस्था कुछ कुछ आज की व्यवस्था जैसी है, यानी एक तरह से आप कहते हैं बटाईदार वाली व्यवस्था। तो इसमें क्या होता था, जो स्वामी होते थे वो अपनी बड़ी बड़ी भूमियों को के एक हिस्से पर जो है किसानों से खेती करवाते थे और उन्हें कुछ भाग दे देते थे, भाई उन पर आप स्वयं खेती कर लो लेकिन आपको कंडीशन यही है कि आपको मेरे लिए भी खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी जो भूस्वामियों की तमाम बहुत बड़ी जमीनें होती थी उनमें से कुछ हिस्सा किसानों को दे दिया, लेकिन कंडीशन ये रहती थी उन्हें उसके बदले में एवज में जो है अपने भूस्वामी की खेती की जमीन पर भी खेती करनी होती थी। मतलब ये हुआ, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं बटाईदार के रूप में, बटाईदार का यहां पे नाम दे दिया मैनर, यानी अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर समझें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में यही निकल के आता है, ठीक है। तो मैनर, अब पांचवें का सेकंड सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहां पर, मैनर वह किला होता था या हवेली होती थी जहां लॉर्ड या स्वामी रहता था, जहां लॉर्ड या स्वामी रहता था, ठीक है। भूमि के एक भाग की जुताई लॉर्ड सीधे अपनी निगरानी में अपने सर्फों की सहायता से कराता था और ये सिर्फ सर्फ अपने खेतों के अलावा लॉर्ड के खेतों को जोतने बोने के लिए बाध्य होते थे, यानी किसान जो है वहां के सर्फ बोले जाते थे। और वो प्रथा जो ऊपर फ्यूडलिज्म के अंदर पहली प्रथा थी सर्फडम कर दी, सर्फडम का मतलब तो दास प्रथा बना दी उन्होंने, और मैनर के अंदर जो किसान थे वो भी सर्फ ही बोले जाते थे, लेकिन कंडीशन इतनी थी कि उन्हें जो भूमि मिली है उस भूमि पर अपने खेती करेंगे, इसके अलावा जो अपने जागीरदार हैं उनकी भूमि पर भी एक उनकी भूमि के एक भाग पर ही उन्हें खेती करनी पड़ती थी, इसमें ये फर्क था, ठीक है। तो मैनर में लिख लेना आप कि मैनर वह किला होता था या हवेली होती थी जहां लॉर्ड या स्वामी रहता था, भूमि के एक भाग की जुताई लॉर्ड सीधे अपनी निगरानी में अपने सर्फों से कराता था और ये सर्फ अपने खेतों के अलावा लॉर्ड के खेतों को जोतने बोने के लिए बाध्य होते थे, ठीक है। अब चलिए, अब ये हम यहां जानते हैं क्या भारत में भी फ्यूडलिज्म की ये दोनों अवस्थाएं सर्फडम और मैनर क्या ये भारत में भी रही हैं। देखिए नोट डाल के अब आप लिख लीजिए, देखिए अगर हम गहराई से देखें तो दोनों में से किसी प्रकार की जो अवस्थाएं हैं वो सर्फडम की वो भारत में नहीं रही हैं, यानी भारत के प्राचीन मध्यकालीन भारत में ये अवस्थाएं नहीं रही हैं, ना सर्फडम जैसी ना मैनर व्यवस्था जैसी, ठीक है। यानी अपने भारत में तो ये हुआ कि अपने यहां तो जो दान दे देकर हमारे ऊपर भूस्वामी ला के बैठा दिए गए, ठीक है। यानी हम में तो कुछ कहने का अधिकार ही नहीं छोड़ा गया, वहां पर ये था कि भाई ये दास हैं, अगली प्रथा थी मैनर वाली उसमें कुछ हिस्सा दे देते थे, अब यहां तो कुछ था ही नहीं, यहां तो वो ये कोड़े मार मार के आपको खेती कर रही है, चाहे वो वैश्य हो या शूद्र हो, बस खेती कर रही है आपको ऊंचे वर्णों के लिए। तो यहां तो इन दोनों में से कोई व्यवस्था अपने यहां नहीं रही। तो नोट में ही नोट कर लेना कि भारत में ना सर्वडम प्रथा दी और ना मैनर व्यवस्था, ठीक है। यानी कि भारत में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ हद तक हमें देखने को मिलता है इसका ढंग, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, कहने को मतलब ये है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट नोट करेंगे, अब छठा पॉइंट नोट करेंगे, जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में 14वीं सदी के बाद मैनर व्यवस्था और श्रम के रूप में महसूल चुकाने अर्थात लॉर्ड की भूमि को महसूल के रूप में मुफ्त जोतने बोने की व्यवस्था का लोप हो गया। यानी धीरे धीरे करके जो आपकी 14वीं सदी आती है, इस 14वीं सदी में पश्चिमी यूरोप से इस तरह की व्यवस्था पूरी तरह से लोप हो जाता है, ठीक है। तो छठा पॉइंट आप पूरा एडिट नोट कर लेना यही वाला, ठीक है। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके अलावा यूरोप में एक और प्रथा थी सामंतवाद से जुड़ी, ये थी एक विशेषता इनकी, ये थी कि सेना का संगठन, एक अच्छा खासा सेना का संगठन रखते थे ये लोग यूरोप में। वो इसलिए रखते थे कि तमाम भारी आक्रमण हैं, तमाम जो खानाबदोश जातियों का आक्रमण होते थे उनसे बचने के लिए रखते थे, वो तो हर देश ने रखी है, अपने यहां भी रखी गई है। तो इनमें क्या होता था, जैसे अपने यहां क्या होता था, राजा होता था, सेनापति होता था, ऐसे पद होते थे, तो वहां पर जो है नाइट, यानी नाइट सामंती व्यवस्था थी, नाइट का मतलब होता है योद्धा,
नाइट सामंत की व्यवस्था थी और ये घोड़े पे आगे चलता था और वो सबसे ज्वलंत प्रतीक माना जाता था उस समय। ठीक है, तो सातवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, यूरोप में सामंतवाद से जुड़ी एक और विशेषता सेना का संगठन थी, घोड़े पर बैठा बख्तरबंद नाइट सामंती व्यवस्था का सबसे ज्वलंत प्रतीक था। ठीक है, घोड़े पर बैठा नाइट सामंती व्यवस्था का सबसे ज्वलंत प्रतीक था। देखिए अब यहां पर क्या था, उस समय ऐसी कहानी कही जाती है कि उस समय धीरे धीरे से अरब लोगों के भी आक्रमण स्टार्ट हो गए और अरब लोग जो थे वो घुड़सवारी में इतने माहिर थे कि इन्होंने जो यूरोप के सेनापति थे या यूरोप के नाइट सामंत की व्यवस्था थी इसे जमकर शिकस्त दी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, ऐसी स्थिति में यह किया गया कि यूरोपियों ने फिर से अपनी जो सेना थी, अपनी युद्ध नीति थी, इन सब में जो है एकदम आमूलचूल परिवर्तन लेके आए। इन्होंने फिर अपने जो घुड़सवार वगैरह थे, पैदल सेना, इस सबको कायम करने की जिम्मेदारी जो थी वो फ्यूडल लॉर्डों को सौंप दी थी। यानी फ्यूडल लॉर्ड वही लोग थे जिन्हें जागीरें प्रदान की गई थी, जिन्हें जागीर के रूप में मान्यता दी गई थी राजा के द्वारा, तो इन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस चीज से यह हुआ, इससे यह हुआ कि जो सेना की शक्ति थी कहीं ना कहीं विकेंद्रीकृत हो गई, यानी किसी एक के हाथ में नहीं रही। मान लीजिए कोई फीफ मना कर दे, भाई हम सेना नहीं दे रहे, तब क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं ये विकेंद्रीकरण इन्होंने कर दिया था, कहीं ना कहीं ये केंद्रीय सत्ता नहीं रही थी, एक तरह से डिपेंडेंसी वाली सत्ता रही थी। भाई कोई फीफ, अगर मान लो कोई फीफ सेना नहीं देता, कोई गद्दारी कर लेता, तब एकदम राजा की शक्ति छीड़ हो जाएगी ऐसी कंडीशन में। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह का एक संगठित शासन नहीं था यहां पर, एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी जिसे ढंग से चला नहीं पाई। ठीक है, तो यहीं पे आप सातवें का सब पॉइंट आप नोट करेंगे, सातवें का सब पॉइंट है राजा की सहायता के लिए एक निर्धारित संख्या में घुड़सवार और पैदल सेना कायम रखने की जिम्मेदारी फ्यूडल लॉर्डों को सौंप दी गई। सातवें का सब पॉइंट यही है कि राजा की सहायता के लिए घुड़सवार और पैदल सेना रखने की जिम्मेदारी फ्यूडल लॉर्डों को सौंप दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वहां पर दो दो आविष्कार हुए हैं, इन आविष्कारों ने जो है युद्ध नीत हो या कुछ भी हो, इन्हें पूरी तरह से बदल के रख दिया। ठीक है, ये यहां पे मैं नोट डाउन नहीं करवाऊंगा, बस मैं यहां बताऊंगा, क्योंकि नोट डाउन इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपने एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ लिए हैं ये दोनों आविष्कार। दो आविष्कार कौन कौन से थे, यानी एक तो था लोहे की रकाब, जिसके कारण जो हथियारों से लैस कोई व्यक्ति होता था वो लोहे की यानी घोड़े की पीठ पर बैठने के बाद उसे गिरने का भय नहीं रहता था। ठीक है, नहीं रकाब का प्रयोग। दूसरा आविष्कार इनका था जीन का प्रयोग, यानी जीन का मतलब होता है कि एक इस तरह का जो होता था, यानी एक तरह जिस एक तरह का बनाया जाता था, एक खाका टाइप बनाया जाता था, तो जिस पर जो घोड़ा है वो पहले की अपेक्षा दोगुना बोझ लेकर चल सकता था। तो ये रकाब और जीन के आविष्कार जो हुए, इन्होंने यानी कि युद्ध कौशल की नीत है या और कोई नीत है, वो नीत पूरी तरह से बदल के रख दी। लेकिन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना है, हमें अपने भारत का इतिहास पढ़ना है अब, तो यहां पर हम केवल सरसरी नजर डालते हैं। ठीक है, अब यहां पे अब अंतिम यानी कि आपका आठवां पॉइंट अब आप नोट कर लीजिए, इसमें आठवां पॉइंट आपको नोट करना है कि इस तरह राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक अनेक कारण यूरोप में फ्यूडलिज्म के विकास के लिए उत्तरदायी थे। यानी कि आपने ये जान लिए कि यूरोप में फ्यूडलिज्म के विकास के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। ठीक है, तो वो सब कारण आपने यहां पर जान लिए। अब आपसे कहीं अगर ये पूछा जाए कि यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में फ्यूडलिज्म का जो उदय हुआ है उसका क्या क्या कारण, क्या आप बता देंगे? कारण सबसे बड़ा कारण यही था कि कहीं ना कहीं जो जमींदार या जागीरदार थे आपस में झगड़ते रहते थे, उससे निपटने के लिए अपने राजा के प्रति उनका कोई जो वो नहीं मानते थे कि भाई हमारा कोई राजा भी है, हमारे राजा का नियंत्रण है, उस राजा कोई वजूद नहीं मानते थे। इसके लिए जो था राजा थे, राजा ने उन्हें मान्यता दी, जागीरों के रूप में मान्यता दी ताकि, और शपथ दिलाई कि वो राजा के प्रति निष्ठावान रहें। ठीक है, ताकि जो आपस में जागीरों को लेकर लड़ते भड़ते रहते थे सामंत, तो वो लड़ भिड़ ना सके। ठीक है, तो आप फ्यूडलिज्म का पूरा समझ गए होंगे सिस्टम। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आठवां पॉइंट नोट कर लिया, अब यहां पे एक पॉइंट और है, नवा पॉइंट है। देखिए जो पश्चिम एशिया है, नवा पॉइंट आपका यह है कि पश्चिम एशिया और भारत की तरह यूरोप में भी मध्यकाल जो है वो धर्म का काल रहा है। ठीक है, यानी कि पश्चिमी एशिया की तरह यूरोप में अभी, पश्चिम एशिया और भारत की तरह यूरोप में मध्यकाल धर्म का काल था और जो धर्म का प्रवक्ता होता था उसके पास काफी शक्ति और प्रभाव होता था। कहीं ना कहीं यूरोप की कंडीशन भी वैसी रही है जैसी हमारे भारत की कंडीशन थी और पश्चिम एशिया की कंडीशन थी, यानी जो मुस्लिम कंट्री वगैरह थे उस समय, अरब कंट्री वगैरह थे, तो उनकी कंडीशन वही थी कि धर्म पर आधारित थे। तो नवा पॉइंट यही है, पश्चिम एशिया और भारत की तरह यूरोप में भी मध्यकाल धर्म का काल था और जो धर्म का प्रवक्ता होता था उसके पास काफी शक्ति और प्रभाव होता था। ठीक है, अब चलिए आते हैं अरब दुनिया पर, यानी कि अरब जो दुनिया है इसका उदय कैसे होता है, अरब दुनिया के बारे में चलिए जानते हैं हम यहां पर, यानी जो अरब लोग हैं ये कैसे अस्तित्व में आए।
पहली बात तो यहां पर ये जान लीजिए कि सातवीं सदी के बाद जो था वो इस्लाम का उदय हो गया। तो सातवीं सदी में जब इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लाम के उदय ने पश्चिम एशिया और इसके पड़ोसी क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों पर एक गहरा प्रभाव डाला। यानी इनसे इन सभी पक्षों को बहुत ही गहराई के साथ इन्हें प्रभावित किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट कर लेना आप कि सातवीं सदी के बाद इस्लाम के उदय ने पश्चिम एशिया और पहाड़ी पड़ोसी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों पर गहरा प्रभाव डाला। अब देखिए इसके अलावा क्या था कि आरंभिक जो राज्य था वो खलीफों के द्वारा स्थापित किया गया था। आरंभिक खलीफों के द्वारा स्थापित अरब साम्राज्य में अरब के अलावा जो है यहां पर सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन शामिल थे। यानी आरंभिक जो राज्य था वो खलीफों के ने स्थापित किया था, तो इसमें अरब साम्राज्य के अलावा जो है यहां पर सीरिया था, इराक था, ईरान था, ठीक है, मिस्र था, उत्तरी अफ्रीका था और स्पेन शामिल था। देखिए जो ईरान है, ईरान प्राचीन समय में पारसियों का केंद्र रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे इस्लाम का उदय हुआ यहां से पारसी धर्म पूरा विलोपित हो गया, पारसी धर्म यहां से पूरा नष्ट कर दिया गया, यहां पे बिल्कुल अब नाम मात्र के लिए भी पारसी धर्म नहीं बचा है, जबकि पूरा इसे पर्सिया बोला जाता है, ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है, तो यहां पर पूरी तरह से इन्होंने विलोपित कर दिया था इस्लाम ने। ठीक है, सेकंड पॉइंट अब आप नोट कर लेना आप ये वाला, आरंभिक खलीफों द्वारा स्थापित अरब साम्राज्य में अरब के अलावा सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन शामिल थे। ठीक है, अब देखिए हर जगह कहीं ना कहीं कबीला जब होता है, यानी कि यहां पर भी कबीलाई शासन था शुरुआत में, तो कबीलों में कहीं ना कहीं मतभेद, गृह युद्ध, जैसे अपने यहां थे, अपने यहां जो कबीले थे कुर और जन, ठीक है, यानी कुर और जो जो आपके जो आपका महाभारत हुआ, यानी कुर जन और जो पांडुजन जो थे इनके मध्य जो हुआ उसका परिणाम जो हुआ महाभारत हुआ, यानी कबीले ही थे दोनों, ज्यादा बड़े साम्राज्य नहीं थे, तो अरब के अंदर भी कबीले थे, तो कबीलों के अंदर मतभेद और गृह युद्ध चलते रहते थे। इसकी वजह से आठवीं सदी में आकर और मध्य में दमिश्क में बैठा खलीफा जो था, ये दमिश्क में इनका खलीफा भी जो बैठा था उसने अपनी सत्ता खो दी और इसके बाद अब्बासी नाम का एक नया वंश सत्ता में आया। तो आप सेकंड पॉइंट नोट कर लेना कि अरब कबीलों में के अंदरूनी मतभेदों और गृह युद्धों के कारण आठवीं सदी के मध्य में दमिश्क में बैठा खलीफा सत्ता को बैठा और अब्बासी नाम का एक नया वंश सत्ता में आया। ठीक है, अब देखिए इसी में सब पॉइंट करके लिखेंगे, इसी में सेकंड का पहला सब पॉइंट है। सेकंड का देखिए इसने क्या किया, जो अब्बासी ने क्या किया कि उसने नवस्थापित नगर बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि जो ये खलीफा था अब्बासी नाम का नया व्यक्ति जो आया खलीफा के स्थान पर, तो इसने अब अपनी जो राजधानी थी, नया जो नव स्थापित नगर है बगदाद, इसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये थर्ड का पहला सब पॉइंट है। देखिए अब्बासी के बारे में एक बात और है कि अब्बासी स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब के कबीले से बताता था, इस वजह से उसे ज्यादा ख्याति और मिली। तो सेकंड का सेकंड सब पॉइंट है, अब्बासी स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब के कबीले से संबंधित होने का दावा करते थे। ठीक है, ये आपका सेकंड, जो आपका थर्ड का सेकंड सब पॉइंट है, थर्ड का सेकंड सब पॉइंट है, सॉरी थर्ड पॉइंट था अरब कबीलों वाला, थर्ड पॉइंट है ये, देख सेकंड पॉइंट ऊपर लिख चुके हैं आप, तो थर्ड का सेकंड सब पॉइंट है ये। ठीक है, थर्ड का सेकंड सब पॉइंट, यानी अब्बासी स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब के कबीले से संबंधित होने का दावा करते थे। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया ये। अब यहां पर अगला सब पॉइंट है, यानी कि थर्ड का थर्ड सब पॉइंट है, थर्ड का थर्ड सब पॉइंट है, लगभग 150 वर्षों तक अब्बासी साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली और फलते फूलते साम्राज्यों में से एक रहा। और ये यहां से आप नोट कर लीजिए, फेयर रूप से लिखी हुई है लाइन, थर्ड का थर्ड सब पॉइंट है, यहां से लगभग 150 वर्षों तक अब्बासी साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली और फलते फूलते साम्राज्यों में से एक रहा। ये आप नोट कर लेना, आप थर्ड का थर्ड सब पॉइंट है। ठीक है, देखिए जो अब्बासी खलीफा थे, अब्बासी खलीफाओं का जो नियंत्रण था, इनका नियंत्रण पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ही नहीं था, बल्कि भूमध्य सागर क्षेत्र को भारत से जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग था, यह भी उनके नियंत्रण में था। तो अगला पॉइंट नोट करेंगे आप, चौथा पॉइंट, कि अब्बासी खलीफा पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के कुछ सबसे उपजाऊ देशों को ही नियंत्रित नहीं करते थे, बल्कि भूमध्य सागर क्षेत्र को भारत से जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर भी उनका नियंत्रण था। यह आपका चौथा पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए अरब जो लोग जो थे ये पक्के सौदागर किस्म के लोग थे, यानी कि अच्छे खासे व्यापारी किस्म के लोग थे अरब जो सौदागर थे, यानी कि अच्छे खासे व्यापारी थे। तो इन ये
इसी हिसाब से व्यापार करने के उद्देश्य ने उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शुरुआत में इनकी ऐसी कोई नीति नहीं थी कि हमें अपने धर्म का जो है कहीं से जोर जबरदस्ती थोपना है। इस्लाम को इन्हें शुरुआत में किसी को जोर जबरदस्ती नहीं थोपा, पहले इनका उद्देश्य यही था, व्यापारी एक वर्ग के रूप में उभरे थे ये लोग, ठीक है। धीरे धीरे करके इनमें भी कट्टरता आती गई और बाद के कालों में आप देखेंगे कैसे ये लोग कट्टर बन गए हैं, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे आप कि अरब पक्के सौदागर थे तथा इस काल में वे जल्दी सबसे उद्यमी और धनी सौदागरों और समुद्री यात्रियों के रूप में मशहूर हो गए, ठीक है। पांचवा पॉइंट यही है, अरब पक्के सौदागर थे तथा इस काल में वे जल्दी सबसे उद्यमी और धनी सौदागरों और समुद्री यात्रियों के रूप में मशहूर हो गए, ठीक है। यह आपने नोट कर लिया, मशहूर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा पॉइंट अब आप नोट करेंगे। देखिए अरबों ने जो है सोने के दीनार, यानी कि छठा पॉइंट आप नोट करेंगे, अरबों ने सोने के दीनार और चांदी के दिरहम भी चलाए, जो पूरी दुनिया में व्यापार की मुद्रा बन गए। यानी कि ये सोने के दीनार और चांदी के दिरहम जो चलाए हैं पूरी दुनिया में व्यापार की मुद्रा बन गए। तो ऑब्वियसली बात है कि अरब में तो सोना पाया नहीं जाता है, यानी कि इनका अफ्रीका पर नियंत्रण था और अफ्रीका से ये लोग सोना प्राप्त करते थे, तभी इन्होंने ये अरब जो है सोने के दीनार चलाए और चांदी के दिरहम चलाए। तो छठे का सब पॉइंट नोट कर लेना, यह सब अफ्रीकी सोने तक अरबों की पहुंच के कारण संभव हुआ। ये छठे का सब पॉइंट करके नोट कर लेना आप, ठीक है। देखिए इस काल के सबसे मशहूर जो खलीफा रहे हैं, वो दो खलीफा मशहूर हुए हैं इस काल के सबसे ज्यादा, वो मशहूर थे एक अल मामून और दूसरा है हारून अल रसीद। सातवां पॉइंट नोट कर लेना आप, इस काल के सबसे मशहूर खलीफा अल मामून और हारून अल रसीद थे, ठीक है। देखिए यहां पर इन्होंने उस समय जो है अपना जो है प्रशासन चलाने के लिए, केवल इन्होंने वहां पर ये नहीं कि हमारे धर्म के लोग हों या इस्लाम के ही लोग हों तभी प्रशासन चलेगा, इन्होंने तमाम जो है गैर इस्लामिक धर्मों के तत्वों को भी इन्होंने ग्रहण किया, गैर इस्लामिक तत्वों के लोगों को भी इन्होंने बरीदा दी, उनसे भी सलाह विचार विमर्श किया, उनके बहुत से तत्व थे उनको फॉलो किया, अपनी भाषा में अनुवाद करवाया ताकि अपना प्रशासन चला सकें, एक नया साम्राज्य का गठन कर सकें और एक नई प्रौद्योगिकी को फॉलो कर सकें, ठीक है। तो आप यहां पर आठवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, यहां पर आठवां पॉइंट है प्रशासन चलाने के लिए ईसाई व यहूदी जैसे गैर मुसलमानों को तथा गैर अरबों को भी नियुक्त करने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी, खासकर ईरानियों को जिनमें से अनेक पारसी थे और बौद्ध भी थे। यानी इन्होंने शुरुआत में सर्वधर्म सम्मति वाली नीति अपनाई, यानी सभी धर्मों के लोग हैं, कैसे भी करके हमें अपना राज्य का गठन करना है, कैसे भी करके हमें अपना राज्य निर्माण करना है, तो उसके लिए सभी धर्मों के लोगों को उन्होंने इन्वाइट किया, सभी धर्मों के लोगों को बरीता दी। केवल ऐसा ही नहीं है केवल अपना ही धर्म थोपते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि चाहे बेशक ये रुढ़वादी जरूर थे, अब्बासी खलीफा जो थे वो रुढ़वादी मुसलमान थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने ज्ञान के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए। लेकिन कंडीशन ये थी कि बशर्ते कोई व्यक्ति जो है हमारे इस्लाम के बुनियादी तत्वों को चुनौती ना दे, यानी बुनियादी तत्व उनके जो हैं वो आप बने रहने दीजिए, उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए, अपने जो विचार विमर्श हैं आप उन्हीं पर बात कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस्लाम में अभी ऐसा नहीं है, इस्लाम में बुराइयां नहीं है, हर धर्म में थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ बुराइयां जरूर हैं हर धर्म में, मैं फिर से बोल रहा हूं। तो उनका भी कहना यही था कि भाई जो चीजें हमारे यहाँ हैं बुरी आप रहने दीजिए, हमें उनसे लेना देना नहीं, आपके जो अच्छे तत्व हैं वो हमें आप बताइए, हमारे तत्वों को ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए, कहने का मतलब उनका ये था, ठीक है। नवा पॉइंट नोट करेंगे खलीफा अल मामून ने यूनानी, बैजंतीनी, ईरानी और भारतीय विभिन्न सभ्यताओं के ज्ञान ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कराने के लिए बगदाद में एक बैत उल हिकमत यानी ज्ञान गृह की स्थापना की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी कि आप शुरुआत में अपने देश का निर्माण करने के लिए सभी धर्मों को सभी ज्ञान ग्रंथों का अनुवाद करवा रहे हैं, तो ये उसी दिशा में इनका एक बहुत बड़ा कदम था और यही चीज इन्हें आगे उन देशों को जानने में मदद मिली, उन देशों को आक्रमण करने में इनका जो हाथ रहा, यानी इन लोगों ने पहले उनकी जो अच्छाइयां बुराइयां उन सबको एनालिसिस कर लिया यहीं पर आके अपने यानी अरबी भाषा में कन्वर्ट करवा के कि भाई इसमें देश में कहां कमी है क्या है, फिर धीरे धीरे करके अरब वाले थे अन्य देशों में फिर फैलते चले गए, यहीं से पद्धति बनी है उसकी, ठीक है। तो नवा पॉइंट नोट कर लेना आप कि खलीफा अल मामून ने यूनानी, बैजंतीनी, ईरानी और भारतीय विभिन्न सभ्यताओं के ज्ञान ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कराने के लिए बगदाद में एक बैत उल हिकमत ज्ञान गृह की स्थापना की, ठीक है, ज्ञान गृह की स्थापना की। अब देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि जो काफी सारे तत्व हैं वो हमारे यहां से नहीं गए हैं, हमारे यहां से भी काफी सारे तत्व गए हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट अब आप नोट करेंगे, आप दसवां पॉइंट है इसी क्रम में, दसवां पॉइंट है
आठवीं सदी में अरबों द्वारा जीते जाने के बाद सिंध भारत और अरब दुनिया के बीच वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंधों का माध्यम बन गया। अब देखिए वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंध कल के ही चैप्टर में आपने सब पढ़ लिए हैं, यानी आपका एंसेंट हिस्ट्री वाला 33 वाला चैप्टर जो है रामचरण शर्मा का, उसमें आपने सब पढ़ लिए जीरो, कैसे जीरो का जो था उसका प्रयोग 853 ईस्वी में अरब वालों ने किया, कैसे कैसे ग्रंथ वहां तक पहुंचे, वो सब चीज आपने पढ़ ली है, वो मैं यहां पे रिपीट नहीं करवाऊंगा। आप समझ लीजिए, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर आप तथ्य जो तमाम जो फैक्ट छुड़वा देते हैं, फैक्ट मैं वही छुड़वाता हूं जो फैक्ट आप लिख चुके हैं। उसका क्या मतलब है कि आप एक फैक्ट को तीन तीन जगह अगर आ रहा है तीन तीन जगह लिखोगे कोई मतलब नहीं बन रहा है, यानी एक जगह ढंग से लिख लो ताकि आगे भी काम आ जाए, बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हो पेज भरने से क्या फायदा है, फिर तो इससे बढ़िया जो है बुक ही पूरा रट लो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो दसवां पॉइंट यही है, आठवीं सदी में अरबों द्वारा जीते जाने के बाद सिंध भारत और आठवीं सदी में अरबों ने सिंध को जीता है, और सिंध को जीतने के बाद जो है भारत और अरब दुनिया के बीच वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंधों का माध्यम बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है जब वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंधों का माध्यम बन गया तो हमारे भारत में प्राचीन भारत में क्या क्या था, हमारे प्राचीन भारत में आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर थे, ठीक है, वराहमिहिर थे, ये थे, इसके अलावा जो है चरक और सुश्रुत थे, वराहमिहिर थे, चरक और सुश्रुत थे, यानी यही कुछ लोग फेमस रहे हैं, चरक रहे हैं, सुश्रुत रहे हैं, तो इनके ही ज्ञान का इन्होंने प्रयोग किया होगा, कोई अलग से पुस्तक तो प्रयोग की नहीं होगी, ठीक है, तो वही हुआ, यानी इन्होंने आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चरक, सुश्रुत इन सबकी जो पुस्तकें थी इनका जो है वहां पर अपनी अरबी भाषा में अनुवाद करवाया और इनसे इन्होंने बहुत सारे तत्व थे अपने वहां पर ले लिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने काफी सारे संस्कृत ग्रंथ थे उनका भी अनुवाद करवाया, तो ये सब आप ऑब्वियसली बातें जानते हैं, ये प्राचीन भारत के जो हमारे वैज्ञानिक खोजों में आप जानते हैं क्या क्या खोजें रही है, आर्यभट्ट की खोज क्या रही है, वराहमिहिर की खोज क्या रही है, चरक और सुश्रुत की खोज क्या रही है, ये आपसे छुपी नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं, तो हम यहां पर दोबारा ये नहीं लिखेंगे, मैंने बस जिक्र कर दिया आपके सामने। ठीक है, अब चलिए यहां पर अगला पॉइंट अब आप नोट करेंगे, अगला पॉइंट अब आप यहां पे नोट करेंगे, सॉरी 11वां पॉइंट है, दसवीं सदी के आरंभ तक अरब इस स्थिति में पहुंच गए थे कि वे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं कोई योगदान कर सकें, क्योंकि उन्होंने सभी देशों की सभी जो सभ्यताएं थी सभी संस्कृतियों की किताबों का अध्ययन कर लिया, उनका अनुवाद करवाया अपनी भाषा में, तो इसका यह परिणाम बना कि अब वो इस कंडीशन में पहुंच गए कि विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं कोई योगदान कर सके। अब देखिए हम थोड़ा सा अपने भारत के पहलू के बारे में विचार करेंगे, आपके माइंड में एक बार बार एक प्रश्न पहुंचता होगा, काफी बार मुझसे अभ्यर्थियों जिरह करते हैं यानी बहस करते हैं, कहते हैं सर हमारा भारत तो प्राचीन काल से इस क्षेत्र में आगे रहा उस क्षेत्र में आगे रहा, लेकिन क्या रीजन रहा कि हमें सब तक ये पहुंच नहीं मिल सकी। देखिए सब तक हमारे ज्ञान की पहुंच ना मिलने का सबसे बड़ा कारण था वर्ण विभेद, वर्ण विभेद का कारण यही था, यानी एक उच्च वर्णों के लोग केवल पढ़ पाए, कुछ सीमित वर्णों के हाथ में ही हमारे यहाँ जो है शिक्षा व्यवस्था रही, बाद बाकी जो वर्ण थे उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, इसी वजह से कोई भी हमारे यहाँ खोज कोई भी हमारे यहाँ जो तमाम आविष्कार हुए वो आगे नहीं बढ़ पाए, और हमारी जो खोजें थी हमारे जो आविष्कारों की जानकारी थी प्राचीन जानकारी थी उन्हीं जानकारी को कन्वर्ट करके यूरोप अमेरिका या अरब ये लोग आगे निकल गए। ठीक है, सबसे बड़ा कारण यही था, यानी हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी वही सबसे बड़ी हमारे यहाँ रुकावट का कारण थी, तभी जो हमारा प्राचीन ज्ञान था हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा नहीं है, वर्तमान में आपका इसरो अपनी चरम पर यानी ऊंचाइयों को छू रहा है, ये आपके आपसे भी और मुझसे भी छुपा नहीं है, यानी आज इसरो ने पूरे विश्व में अपनी जो कीर्ति पताका स्थापित की है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी कि हमारे वहां जैसे जैसे जो ज्ञान पर पहुंचती वो सबके लिए जन सामान्य तक पहुंचा ज्ञान, तो वैसे वैसे हमारे देश ने प्रगति की। अगर ये वैदिक काल में भी हमारे यहाँ सबके लिए जो ज्ञान के द्वार खोल दिए जाते तो यकीन मानिए हम लोग आज पिछड़े नहीं होते, हम लोग भी आज विकसित लोगों की देशों की श्रेणी में खड़े होते, ठीक है, विकसित देशों की श्रेणी में कतारबद्ध होते हम लोग भी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो वर्ण व्यवस्था रही है वही हमारी सबसे बड़ी जो है अवनति का प्रतीक रही है, वही वर्ण व्यवस्था नहीं हमें जो है कहीं ना कहीं जो तमाम आविष्कार हैं तमाम जो नई नई चीजें हैं उनसे हमें रोके रखा, तमाम ज्ञान जो था वो केवल सीमित वर्गों के हाथ में ही रहा और बाद बाकी लोग उसे जान नहीं पाए। ठीक है, हमें जानने को तो मिला लेकिन हमें जानने को मिला अन्य देशों के माध्यम से, जैसे हमने यूरोप का अध्ययन किया, अंग्रेज आए अंग्रेजों के माध्यम से हमने जाना, अंग्रेजों ने बताया भाई हमने ये सिद्धांत दिया हमने वो सिद्धांत दिया, जबकि हमारे यहाँ तो हजार वर्ष पहले वो लिखे जा चुके थे। रीजन सबसे बड़ा वही रहा वर्ण विभेद वाला, यानी सभी लोगों के लिए अगर ज्ञान की पहुंच रहती यकीन मानिए ऐसा कभी कंडीशन आती नहीं। ठीक है, तो 11वां पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब देखिए यहां पर हमें अरब वालों से कुछ और सीखने को मिलता है, अरब वालों से हमें भारत और पड़ोसी देशों के बारे में अरब व्यापारियों के वृत्तांत हमारे लिए इनकी जानकारी के उपयोगी स्रोत है, यानी अरब व्यापारियों के प्रांतों जो वृत्तांतों का उपयोग है ये हम अपने इतिहास के में करते हैं, यानी उनसे हमें ये भी मालूम पड़ता है कि भारत का व्यापार कहाँ कहाँ होता था, किस तरह का व्यापार होता था, कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा निर्यात होती थी, क्या क्या चीजें आयात होती थी, तो वो सब हमें अरब व्यापारियों के वृत्तांत से मालूम पड़ती हैं, तो बारे में पॉइंट भी आप नोट कर लेना। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला जो आपका हेडिंग है, अगली हेडिंग है अफ्रीका कौन, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप पर क्या असर पड़ा। जो अफ्रीका आप देखते हैं तो अफ्रीका में कैसी स्थिति थी, यानी अफ्रीका में उस समय शासन व्यवस्था कैसी थी, अफ्रीका में जो है कोई क्या साम्राज्य था या नहीं था, ये हम सब यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अफ्रीका के बारे में आप सुन लीजिए कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर जो दो किनारे किनारे दो हैं द्वीप हैं, मालिंदी और जंजीवार, यानी पेम्बा और जंजीवार या मालिंदी जंजीवार, तो इन तक अरबों के प्रवास और व्यापारिक कार्यकलापों में बहुत वृद्धि हुई। पहला पॉइंट अब आप नोट यही कर लीजिए कि अफ्रीका के पूर्वी तट के किनारे किनारे मालिंदी और जंजीवार तक अरबों के प्रवास और व्यापारिक कार्यकलापों में बहुत वृद्धि हुई। लेकिन सबसे ज्यादा अरबों ने क्या व्यापार किया, अरबों ने सबसे ज्यादा क्या चीज वहां से ली जो है अफ्रीका से, लेकिन अरबों के व्यापार में बड़े पैमाने पर गुलामों का तथा सोने हाथी दांत आदि का निर्यात भी शामिल था। ठीक है, यानी अफ्रीका से जो निर्यात क्यों करते थे अपने देश अरब के लिए, तो उसमें क्या क्या था, बड़े पैमाने पर गुलाम थे, सोने का निर्यात करते थे अपने देश के लिए, हाथी दांत का निर्यात करते थे, ये शामिल था। तो पहले का सब पॉइंट नोट कर लेना आप। ठीक है, देखिए अफ्रीका का जो प्राचीन और शक्तिशाली राज्य था वो इथियोपिया था, यानी इथियोपिया जो था वो अफ्रीका का एक काफी प्राचीन और शक्तिशाली राज्य रहा था। सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, अफ्रीका में एक काफी प्राचीन शक्तिशाली इथियोपिया का राज्य भी था। ठीक है, सेकंड पॉइंट यही नोट कर लेना। अब सेकंड का सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट सेकंड का, देखिए हब्सी कहलाने वाले जो लोग थे, हब्सी कहलाने वाले ऐसे अनेक इथियोपिया वासी ईसाई थे, यानी कि हब्सी कहलाने वाले जो इथियोपियाई वासी थे वो तमाम जो है ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो सेकंड का पहला सब पॉइंट नोट कर लेना आप। अब देखिए ये इथियोपियाई लोग थे, ये क्या करते थे, यानी इथियोपिया वाले, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, इथियोपिया वाले हिंद महासागर से मैं अदन से लेकर, अदन की खाड़ी से लेकर भारत तक ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट है, इथियोपिया वाले हिंद महासागर में अदन से लेकर भारत तक व्यापार करते थे। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब सेकंड का थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे, सेकंड का थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे यहां पर। देखिए ये वैजंतीनी साम्राज्य के घनिष्ठ सहयोगी थे, यानी कि इथियोपिया वाले जो थे वो वैजंतीनी साम्राज्य के घनिष्ठ सहयोगी थे। वैजंती साम्राज्य के पतन के बाद जो इनकी आर्थिक व्यवस्था है वो एकदम कमजोर हो गई, चरमरा गई, और इनके साम्राज्य का भी वहीं अंत हो जाता है। ठीक है, सेकंड का थर्ड सब पॉइंट नोट कर लेना, वे वैजंतीनी साम्राज्य के घनिष्ठ सहयोगी थे। ठीक है, वैजंती साम्राज्य घनिष्ठ सहयोगी थे, वैजंती साम्राज्य के पतन के बाद उनकी स्थिति कमजोर हो गई। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी है चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, यानी चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिति मध्यकाल में किस प्रकार की थी, किस प्रकार से हमारा व्यापार का आदान प्रदान था, तो वो भी हम यहां पे अब जान लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहली बात ये जान लीजिए कि 8वीं और 9वीं सदी में चीन में जो है वह तांग शासन का अधीन था चीन। ठीक है, यानी 8वीं और 9वीं सदियों में तांग शासन के अधीन चीन का समाज और वहां की संस्कृति प्रगति के उच्च सोपान पर पहुंच चुकी थी, यानी अच्छी खासी प्रगति कर रही थी, वहां पे तांग वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, तो नोट कर लेना पहला पॉइंट यही वाला है कि 8वीं और 9वीं सदियों में तांग शासन के अधीन चीन का समाज और वहां की संस्कृति प्रगति के उच्च सोपान पर पहुंच चुकी थी। अब देखिए तांग शासकों का राज्य कहां से कहां तक था, तो पहले का सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे, पहले का सब पॉइंट नोट करेंगे कि तांग शासकों का राज्य मध्य एशिया में सिनकिंगयांग के बहुत बड़े हिस्सों पर, जिसमें काशगर भी शामिल था, फैली हुई थी। यानी ये प्राचीन नाम है, जैसे सिनकिंगयांग प्राचीन नाम है, ये सब प्राचीन नाम है। ठीक है, तो पहले का सब पॉइंट ये, तांग शासकों की अधिराजी मध्य एशिया में सिनकिंगयांग के बहुत बड़े हिस्सों पर, जिनमें इसमें काशगर भी शामिल था, फैली हुई थी। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, भाषाई दृष्टि से एक चीज आपको महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा। देखिए जब हम मध्य भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो मध्य भारत के इतिहास में आपको ऐसे तमाम शब्द मिलेंगे जो उर्दू और फारसी के शब्द हैं। ठीक है, आप अब तक वैदिक जो आपका प्राचीन इतिहास था वो पढ़ रहे थे, तो प्राचीन इतिहास में आपको एकदम विशुद्ध हिंदी वाले शब्द आपको देखने को मिले, लेकिन अब मध्य भारत वाले इतिहास में आप देखेंगे तमाम जो फारसी शब्द मिलेंगे आपको, तमाम आपको उर्दू के शब्द भी मिलेंगे पढ़ने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है वो शब्द गलत है, यानी उनका भी आप अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम में। ठीक है, यानी कुछ लोगों के माइंड में आया होगा कि सर अब यहां पर तमाम तरह के जो उर्दू टाइप शब्द आ रहे हैं, उर्दू टाइप के शब्द आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मध्यकाल पूरा इस्लामिक काल रहा है, मध्यकाल वाला समय। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मध्यकाल में जब इस्लाम अपने चरम पर रहा है तो यहां पर उर्दू के, और सबसे ज्यादा इतिहास जो मध्यकाल में जो है वो मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, तो वहां पर उर्दू और फारसी के शब्द होना एक बड़ा ही कॉमन सी बात, बड़ा ही लाजमी बात है। ठीक है,
तो पहले का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, तांग शासकों की अधिराजी मध्य एशिया में सिनकियांग के बहुत बड़े 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 हिस्सों पर, जिनमें काशगर भी शामिल था, फैली हुई थी। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट यहां पे नोट करेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका, ठीक है। देखिए, ये जिस रास्ते पर शासन करते थे, यानी रेशम मार्ग कहलाता था ये रास्ता, तो रेशम मार्ग जिस रास्ते पर ये शासन करते थे, तो ये पहले का सेकंड सब पॉइंट है। इस रास्ते से रेशम ही नहीं बल्कि उम्दा चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कम कीमती रत्न पुखराज की बनी वस्तुएं भी पश्चिम एशिया, यूरोप और भारत को निर्यात की जाती थी। यानी इन लोगों का जिस रास्ते पर शासन था वो रेशम मार्ग तो कहलाता ही था, इसके अलावा वहां से रेशम ही नहीं बल्कि उम्दा चीनी मिट्टी के बर्तन, कम कीमती रत्न पुखराज की बनी वस्तुएं भी पश्चिमी एशिया, यूरोप और भारत को निर्यात की जाती थी। ठीक है, ये पहले का सेकंड सब पॉइंट था आपका। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट नोट करेंगे अब आप। देखिए, नवीं सदी के मध्य में, नौवीं सदी आती है, नौवीं सदी के मध्य पर तांग साम्राज्य का पतन हो जाता है और वहां पर दसवीं सदी में सुंग राजवंश ने वहां पर इसे विस्थापित कर देता है। यानी सुंग राजवंश वहां पर फिर सत्ता में आसीन हो जाता है। कहने का मतलब यह है, सेकंड पॉइंट यही है, नवीं सदी में तांग साम्राज्य का पतन हुआ और दसवीं सदी में उसे सुंग राजवंश ने स्थापित कर दिया। और देखिए, सुंग राजवंश जो है, सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे, सुंग राजवंश लगभग 300 वर्षों तक चीन पर इसने शासन किया है। सबसे ज्यादा शासन सुंग राजवंश का उस समय रहा है मध्यकाल में, इसने लगभग 300 सालों तक यानी शासन किया, लगभग ये मान लीजिए 1300 ईस्वी तक शासन किया लगभग। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहां पे नोट करेंगे। देखिए, आगे चलकर जो सुंग वंश है, यानी आगे चलकर जो सुंग है, आगे चलकर 13वीं सदी में चीनी शासन तंत्र जो है कि बढ़ती कमजोरी ने मंगोलों को चीन विजय का अवसर दिया। यानी कि जो सुंग वंश था इसका पतन होने लगा, पतन होने के साथ ही साथ ही 13वीं सदी में जो मंगोल थे, मंगोल भी सक्रिय हो गए और मंगोलों ने चीन पर विजय भी प्राप्त कर ली इसी उपलक्ष्य में। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यही है कि आगे चलकर 13वीं सदी में चीनी शासन तंत्र की बढ़ती कमजोरी ने मंगोलों को चीन विजय का अवसर दिया। यह आपका थर्ड पॉइंट है। अब देखिए, थर्ड का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे। पहला सब पॉइंट है थर्ड का, देखिए, कुछ समय तक जो मंगोल थे इन्होंने टोकिन यानी उत्तर वियतनाम, टोकिन नाम था इसका, और अनाम यानी दक्षिण वियतनाम को भी अपने कब्जे में रखा। ठीक है, यानी कि इन्होंने कुछ समय तक इन्होंने टोकिन, जिसे उत्तरी वियतनाम का पुराना नाम था टोकिन, और अनाम है दक्षिण वियतनाम, इसे भी अपने कब्जे में रखा। ये थर्ड का पहला सब पॉइंट है। इसके अलावा देखिए, ये लोग उत्तर में जब बढ़े, यानी कि चीन से जब उत्तर की ओर बढ़े, तो थर्ड का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे आप, उत्तर में इन्होंने कोरिया को रौंद डाला। इस तरह मंगोलों ने पूर्वी एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में होती है। ठीक है, यहां तक रहने दीजिए, केवल बाद बाकी मत लिखिए, ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक रहने दीजिए। यानी कि इस तरह मंगोलों ने, यानी कि उत्तर में उन्होंने कोरिया को रौंद डाला, इस तरह मंगोलों ने पूर्वी एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है, ये थर्ड का सेकंड सब पॉइंट था। देखिए, उसी समय चीन में एक यात्री गया था, मार्को पोलो, यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी होंगे, उन्होंने नाम भी सुना होगा, मार्को पोलो, नेफ्यू पोलो, एक चैप्टर भी था शायद इंग्लिश प्रोज में था, इंग्लिश की जो बुक थी, 9th क्लास की बुक, शायद अब तो नहीं रहा है, मेरे टाइम में चैप्टर था, मार्को पोलो, नेफ्यू पोलो और एक पोलो और थे, तीन लोग ये थे, तो इन तीनों का एक चैप्टर रखा गया था इंग्लिश में, अब पता नहीं अब चेंज कर दिया हो सिलेबस, तो अब कह नहीं सकते, शायद मेरे टाइम में तो रहा था ये चैप्टर, तो वहां पे मैंने पढ़ा था इनके बारे में। ठीक है, तो चौथा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, वेनिस का यात्री मार्को पोलो। अच्छा, कमेंट में एक बात आपको बतानी है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश यानी जिसका क्षेत्रफल भी बहुत कम है, आबादी भी बहुत कम है, वो देश कौन सा है। ठीक है, ये कमेंट में आज आपका पहला प्रश्न है, ये आपसे बताना है आपको। तो चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, वेनिस का यात्री मार्को पोलो कुछ समय तक चीन के मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार में रहा था। चीन के मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार में रहा था। यानी वेनिस का यात्री मार्को पोलो कुछ समय तक चीन के मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार में रहा था। ठीक है, यानी इस दरबार का उसने जीता जागता चित्र जो है, सचित्र वर्णन किया अपने वृतांतों में। ठीक है, इसके अलावा जब मार्को पोलो जो है इटली लौटा, यानी अपने देश इटली में ही पड़ता है वेनिस,
तो ये वहां पर जो लौटा, ठीक है, तो वहां पर लौटते समय उसने रास्ते में उत्तर भारत में मालाबार को भी देखा, उत्तर भारत में इसने मालाबार को भी देखा। चौथे का सब पॉइंट नोट करेंगे, मार्को पोलो समुद्री मार्ग से इटली लौटा और रास्ते में उसने भारत में मालाबार को भी देखा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ऐसा नहीं है कि तब भी विस्तारवादी लोगों की मुहिम नहीं थी, यानी लोग तब भी विस्तारवादी नीति रखते थे, विस्तारवादी सोच रखते थे, यानी कि जो चीन के शासक थे उनके मन भी, यानी मध्य एशिया के चीन के शासक जो थे इनके अंदर भी कहीं ना कहीं विस्तारवादी नीति थी, तो ये कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्व के जो राज्य थे इन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित करते थे। तो उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में दो शक्तिशाली साम्राज्य रहे हैं, तो वो साम्राज्य कौन से थे वो नोट कर लीजिए। पांचवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, बाप दक्षिण पूर्व एशिया में पनपने वाले दो सबसे शक्तिशाली राज्य शैलेंद्र और कंबुज साम्राज्य थे। यहां लिख दे रहा हूं नाम कंबुज, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में पनपने वाले दो सबसे शक्तिशाली राज्य शैलेंद्र और कंबुज साम्राज्य थे, ठीक है। अब देखते हैं शैलेंद्र राजवंश के बारे में, तो छठा पॉइंट आपको नोट करना है यहां पे। शैलेंद्र राजवंश 8वीं सदी में उभरा और उसने श्रीविजय साम्राज्य, मैंने कल भी बताया था श्रीविजय साम्राज्य के बारे में, कल मैंने यानी एंशिएंट हिस्ट्री में श्रीविजय साम्राज्य का जिक्र आया था, तो वहां भी बताया था मैंने शैलेंद्र राजवंश 8वीं सदी में उभरा, उसने श्रीविजय साम्राज्य को काफी हद तक विस्थापित कर दिया, श्रीविजय साम्राज्य जो था इसको काफी हद तक हटा दिया, इसकी जगह इसने अपना राज्य स्थापित किया, ठीक है। अब छठे का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे, छठे का पहला सब पॉइंट, यह साम्राज्य 10वीं सदी तक फलता फूलता रहा। छठे का पहला सब पॉइंट यही है कि यह साम्राज्य जो है, यानी शैलेंद्र साम्राज्य जो है, शैलेंद्र राजवंश का साम्राज्य जो है 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक यह साम्राज्य जो है फलता फूलता रहा है, ठीक है। छठवें का सेकंड सब पॉइंट है, यहां पे सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, देखिए इस साम्राज्य के चरम काल में इसमें सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप, सियाम यानी आधुनिक थाईलैंड के कुछ भाग शामिल थे, ठीक है, कुछ भाग शामिल थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस छठे का सेकंड सब पॉइंट, इस साम्राज्य के चरम काल में इसमें सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप, सियाम यानी आधुनिक थाईलैंड के कुछ भाग शामिल थे। देखिए शैलेंद्र शासक जो थे, क्योंकि इनका पूरा कोस्टल एरिया था, वहां पे कोस्टल राज्य थे, तो इनके पास एक मजबूत नौसेना भी थी। तो छठे का थर्ड सब पॉइंट नोट कर लेना, थर्ड सब पॉइंट छठे का, शैलेंद्र शासकों के पास एक मजबूत नौसेना थी तथा चीन के साथ समुद्री व्यापार पर उनका वर्चस्व था, यानी एक मजबूत नौसेना भी रखते थे वो लोग, इसके अलावा चीन के साथ उनका जो व्यापार था उस पर भी उनका वो जो है अच्छा खासा वर्चस्व था, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ने से पहले जिक्र आया है यहां पे पल्लव वंश का, यानी नोट में वो से लिखना है, पल्लवों को नोट में लिखेंगे हम, नोट वन में आप डाल के लिखेंगे पल्लवों के बारे में, देखिए जिक्र बीच बीच में किसी अन्य राज्य का आ जाएगा तो नोट करके लिखवाते हैं हम लोग, ठीक है। तो दक्षिण भारत के पल्लवों के पास भी एक शक्तिशाली सेना थी और ये पल्लव नौसेना जो थी वो बंगाल की खाड़ी में सक्रिय थी, ठीक है। तो नोट वन में आप यही लिख लीजिए, दक्षिण भारत के पल्लवों के पास भी एक शक्तिशाली नौसेना थी जो विशेषकर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय थी, जो विशेषकर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय थी, ठीक है। ये नोट वन लिख लिया, इसके अलावा नोट टू और लिख लीजिए, नोट टू और आ गया, यहां पे चोल साम्राज्य इसका जिक्र आ गया। देखिए आपको पता होगा कि हमारा चोल साम्राज्य, चोल चेर पांडे, इनके बारे में आपने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ाई है, यानी इनका आपने विघटन भी पढ़ लिया था कि ईसा की तीसरी सदी तक आगे, इनका चौथी सदी तक आगे विघटन हो गया, लेकिन फिर से इनका उदय होता है, यानी नवी दसवीं सदी में आकर इनका चोल चेर पांड्यों का फिर से उदय होता है, ठीक है। ऐसा नहीं उदय नहीं हुआ, उदय फिर से हुआ है। तो अब नोट टू में अब आप लिख लीजिए, देखिए ये लोग चोल शासक जो भारत के थे, तो चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया और उनके और अनेक नौसैनिक अभियान रवाना किए ताकि संचार के समुद्री रास्तों को खुला रखा जा सके और व्यापार के नए अवसरों की तलाश की जा सके। यानी कहने का मतलब यह है, चोल शासकों ने सुमात्रा मलाया की ओर अपने नौसैनिक अभियान किए, क्योंकि उनका करने का रीजन ये था कि हमें व्यापार के नए अवसरों की तलाश करनी है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का द्योतक है, जो आपका दक्षिण पूर्व वाला पोर्शन है वो व्यापार की दृष्टि से उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो नोट टू में आप ये लिखेंगे कि चोल शासकों ने सुमात्रा और मलाया की ओर अनेक नौसैनिक अभियान रवाना किए ताकि व्यापार के लिए नए अवसरों की तलाश की जा सके, ताकि
ताकि व्यापार के लिए नए अवसरों की तलाश की जा सके। ठीक है, ये नोट टू है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठे का चौथा सब पॉइंट आएगा यहां पे। अब छठे का चौथा सब पॉइंट तो नोट नहीं करेंगे क्योंकि तो नोट में ही लिख लिया ये। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला जो पॉइंट है सातवां पॉइंट स्टार्ट होगा यहां पे। ठीक है, यानी अगला पॉइंट जो है आपका सातवां पॉइंट स्टार्ट होगा, याद रखना आप। ठीक है, यहां नोट करेंगे आप। देखिए अनेक चीनी और भारतीय व्यापारी शैलेंद्र साम्राज्य, इस साम्राज्य की जगह लग लेना शैलेंद्र साम्राज्य, आपको याद रहे कौन से साम्राज्य की बात हो रही है क्योंकि काफी विद्यार्थी भूल जाते हैं पढ़ते समय, तो शैलेंद्र साम्राज्य लिख लेना। ठीक है, अनेक चीनी और भारतीय व्यापारी शैलेंद्र साम्राज्य की राजधानी पलेमबंग जाते थे जो सुमात्रा में स्थित था। फिर से रिपीट कर रहा हूं सातवां पॉइंट, अनेक चीनी और भारतीय व्यापारी शैलेंद्र साम्राज्य की राजधानी पलेमबंग अंडरलाइन कर देता हूं, पलेमबंग, तो ये पलेमबंग में जाते थे जो सुमात्रा में स्थित था। देखिए पलेमबंग जो था ये बौद्ध और संस्कृत का अध्ययन केंद्र बना हुआ था। ठीक है, ये तो बहुत पहले से ही जो है बौद्ध और संस्कृत का वहां पर केंद्र बन गया था पलेमबंग। ठीक है, तो नोट करेंगे आप इसी में सातवें का पहला सब पॉइंट सातवें का, यह संस्कृत और बौद्ध अध्ययन का केंद्र बना हुआ था। यह संस्कृत और बौद्ध अध्ययन का केंद्र बना हुआ था। सातवें का सेकेंड सब पॉइंट नोट करेंगे आप। देखिए इस काल के जो राजा रहे हैं तो इस काल के राजाओं ने यहां भव्य मंदिर बनवाए और इनमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो पूर्वी जावा का बोरबुदुर मंदिर है जो बुद्ध को समर्पित है। सातवें का सेकंड सब पॉइंट, यानी इस काल के राजाओं यानी शैलेंद्र साम्राज्य के राजाओं ने वहां पर भव्य मंदिर बनवाए और इनमें सबसे प्रसिद्ध पूर्वी जावा का बोरबुदुर मंदिर है जो बुद्ध को समर्पित है। अब देखिए बोरबुदुर मंदिर की विशेषताएं क्या है। बोरबुदुर मंदिर कहने को बुद्ध मंदिर है लेकिन यहां की दीवारों पर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के दृश्य इनकी मंदिर की पट्टिकाओं पर अंकित किए गए हैं। ठीक है, तो आप नोट करेंगे यहां पर, यानी सातवें का थर्ड सब पॉइंट है यहां पर रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्यों के दृश्य इस मंदिर की पट्टिकाओं पर दिखाए गए हैं। ठीक है, इस मंदिर की पट्टिकाओं पर दिखाई गई है, यानी किसकी पट्टिकाओं पर, बोरबुदुर मंदिर की पट्टिकाओं पर दिखाई गई है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे। देखिए शैलेंद्र शासक जो था इसे जवाक का महाराज कहा जाता था। इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ था सुवर्ण भूमि वाला क्षेत्र का महाराज बोला जाता था इसे। ठीक है, तो आठवां पॉइंट नोट कर लेना, शैलेंद्र शासक को जवाक का महाराज कहा जाता था जिसका अर्थ सुवर्ण भूमि था, यानी उनकी भाषा में अर्थ इसका सुवर्ण भूमि निकल के आता था जवाक का। ठीक है, आठवां पॉइंट है, शैलेंद्र शासक को जवाक का महाराज कहा जाता था जिसका अर्थ सुवर्ण भूमि था। ठीक है, नवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे। अब आता है आपका कंबुज साम्राज्य। आपने अब तक शैलेंद्र साम्राज्य देख लिया, अब आपका कंबुज साम्राज्य स्टार्ट होता है। तो नवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहां पर, कंबुज साम्राज्य कंबोडिया और अनाम दक्षिण वियतनाम में फैला हुआ था। ठीक है, उसने फूनान के हिंदू रंग में रंगे राज्य को विस्थापित किया था जिसका इस क्षेत्र में पहले वर्चस्व था, यानी कि वहां पर जो कंबोज यानी कंबोडिया और अनाम में जो राज्य था उसका नाम था फूनान और ये फूनान राज्य था एक तरह से हिंदू संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित था, तो इसने हिंदू संस्कृति के इस प्रभावित राज्य को पहले विस्थापित किया फिर इसकी जगह कंबुज साम्राज्य स्थापित हुआ। कहने का मतलब यहां पर ये है। ठीक है, नवा पॉइंट पूरा नोट कर लेना, कंबुज साम्राज्य कंबोडिया और अनाम दक्षिण वियतनाम में फैला हुआ था, उसने फूनान के हिंदू रंग में रंगे राज्य को विस्थापित किया था जिसका इस क्षेत्र में पहले वर्चस्व था। ठीक है, नमे का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे। देखिए कंबुज साम्राज्य जो है ये 15वीं सदी तक फलता फूलता रहा है जबकि आपका जो शैलेंद्र साम्राज्य है वो 10वीं सदी तक फलता फूलता रहा है, वहीं ये 15वीं सदी तक फलता फूलता रहा है। ठीक है, तो नमे का पहला सब पॉइंट यही है कि कंबुज साम्राज्य 15वीं सदी तक फलता फूलता रहा। ठीक है, नमे का सेकंड सब पॉइंट है देखिए कंबोडिया में जो एक अंकोर थोम एक जगह है तो अंकोर थोम के पास इनका एक मंदिर समूह है, तो ये कंबुज साम्राज्य की सबसे कंबुज साम्राज्य के शासकों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
कैसे मानी जाती है मैं बता रहा हूं। कंबोज साम्राज्य जो आपके अंकोर थोम वाले जो इलाके में कंबोज साम्राज्य के जो शासक हुए उन्होंने एक ऐसी रिवाज बनाई 10वीं सदी के बाद कि वहां पर प्रत्येक शासक ने अपनी याद छोड़ने के लिए एक नया मंदिर बनवाया। इस तरह से वहां पे लगभग 3.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 3.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 200 से अधिक मंदिर क्रिएट हो गए, 200 से अधिक वहां पर मंदिर बन के खड़े हो गए। इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है वो अंकोर वाट का मंदिर है, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर इनमें से अंकोर वाट वाला मंदिर है। तो इस तरह से अंकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ, ये भी आपने आज यहां पर जान लिया। तो आप अगला पॉइंट अब आप नोट करेंगे, सातवें का थर्ड सब पॉइंट है, सातवें का थर्ड सब पॉइंट है, थर्ड नहीं सेकंड सब पॉइंट है सातवें का, सॉरी सातवें का सेकंड सब पॉइंट है, लिखेंगे यहां पर। इस काल में नमे पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट है, नमे पॉइंट का सेकंड है, हाँ सेकंड पॉइंट है नमे का, कि कंबोडिया में अंकोर थोम के पास स्थित मंदिर समूह को उसकी सबसे शानदार उपलब्धि माना जा सकता है। ठीक है, ये नमे का सेकंड सब पॉइंट था कि कंबोडिया में अंकोर थोम के पास स्थित मंदिर समूह को उसकी सबसे शानदार उपलब्धि माना जा सकता है, किसकी, कंबोज साम्राज्य की। ठीक है, अब नमे का थर्ड सब पॉइंट है, नमे का थर्ड सब पॉइंट है, मंदिर निर्माण का सिलसिला 10वीं सदी से आरंभ हुआ, उसके बाद हर राजा अपनी याद छोड़ने के लिए वहां एक नया मंदिर बनवाता रहा और इस तरह 3.2 किलोमीटर के क्षेत्रफल में वहां 200 से अधिक मंदिर बन गए। पूरी लाइन है, पूरी लाइन यहां से लेकर यहां तक लिख लेना आप, कि मंदिर निर्माण का सिलसिला जो है वो 10वीं सदी में आरंभ हुआ, उसके बाद हर राजा अपनी याद छोड़ने के लिए वहां एक नया मंदिर बनवाता रहा और इस तरह 3.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वहां 200 से अधिक मंदिर बन गए। ठीक है, नमे का चौथा सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे, नमे का चौथा सब पॉइंट है, इनमें से अंकोरवाट का मंदिर सबसे बड़ा है, इनमें से अंकोरवाट का मंदिर सबसे बड़ा है। ठीक है, अब यहां पर अब आप आगे नोट करेंगे, यहां पर अब देखिए, ये तो आपने कंबोज साम्राज्य और स्केलन साम्राज्य देख लिया, अब थोड़ा बहुत अब और कुछ बचा है चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में, वो और हम यहां पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दसवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, मलय प्रायद्वीप के तक्कल बंदरगाह से स्थल के रास्ते चीन सागर तथा तक यात्रा करते हुए अनेक व्यापारी दक्षिण चीन गए, मलय प्रायद्वीप के तक्कल बंदरगाह से स्थल के रास्ते चीन सागर तक यात्रा करते हुए अनेक व्यापारी जो है वो भारतीय व्यापारी दक्षिण चीन तक गए। ठीक है, ये नोट कर लेना दसवां पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको एक बात बताऊं मैं यहां पर, कि जो आपका देखते होंगे कि ईसा की 12वीं सदी में बौद्ध धर्म का भारत से लोप हो जाता है, लोप होने के बाद जो बौद्ध धर्म है वो आपके दक्षिण पूर्व एशिया में बना रहता है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में बना रहने की सबसे बड़ी रीजन क्या था, वो उसने अपने आप को हिंदू धर्म के साथ मर्ज कर लिया था, यानी उसने अपने आप को हिंदू धर्म के साथ मर्ज कर लिया था। आपने तभी देखा कि बोरबुदूर के मंदिर पर तमाम जो है हिंदू जो ग्रंथ है या हिंदू जो महाकाव्य है जैसे रामायण है महाभारत है इसके चित्र अंकित हैं, उस अंकित होने का रीजन यही है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था बौद्ध धर्म में अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को हिंदू धर्म में ही उसने तब्दील कर लिया, हिंदू धर्म में ही सम्मिलित कर लिया। आपने देखा भी होगा तमाम जो आज के कथा जो कथाकार वगैरह हैं वो बताते हैं कि बुद्ध को विष्णु का ही अवतार बताने लगते हैं, तो बुद्ध को विष्णु का अवतार बताने का रीजन जो है प्रथा जो है वो प्रथा वो उसी टाइम से चली आई है, यानी कि जब बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में समावेशित कर लिया गया तब फिर जो थे यानी गौतम बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में रख दिया गया, वो यहां से ही निकल के आया। ठीक है, तो इसी कारण वजह बस ये जो बौद्ध धर्म है दक्षिण पूर्व एशिया में बचा रहा है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर एक बात और यहां पे एक कथन बताना चाहूंगा मैं आपको, देखिए जो पश्चिम है यानी पश्चिम दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ और मेडागास्कर और अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ के देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी था, ये तो आप सब जानते ही हैं, लिखना रिपीट नहीं करना है। और दूसरी बात यहां पे एक बात तो बताना चाहूंगा मैं जाते जाते कि आरंभिक चरण में जो मुसलमान आए थे यानी आरंभिक चरण में खलीफा आए थे अपने यहां या अरब के लोग आए थे, उनका उद्देश्य मुसलमान बनाने का कोई उन्होंने विशेष प्रयास नहीं किया, उन्होंने अपने धर्म को फैलाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया, उनका अर्थ उनका जो अभिप्राय था अपने यहां केवल और केवल व्यापार करना और यहां के जितने भी ग्रंथ हैं यहां के जितने भी चाहे वैज्ञानिक ग्रंथ हों चाहे साहित्यिक ग्रंथ हों सांस्कृतिक ग्रंथ हों उनका अनुवाद करके उनको जानना था। ठीक है, प्रथम दृष्टया उनका पहला जो आरंभिक चरण में उनका उद्देश्य यह नहीं था कि अपना धर्म का प्रसार करना है भारत में। ठीक है,
अब चलिए अगला पॉइंट है, यानी कि आपका अंतिम पॉइंट है आज का, 11वां पॉइंट है आपका, इसी क्रम में 11वां पॉइंट है। देखिए भारत और इन देशों के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्क तभी टूटे जब इंडोनेशिया में डचों, भारत बर्मा और मलाया में अंग्रेजों तथा आगे चलकर हिंद चीन में फ्रांसीसियों ने अपने पैर जमा लिए। यानी कि भारत के संबंध कैसे टूटे दक्षिण पूर्व एशिया से और चीन के साथ, यानी मध्य एशिया के साथ संबंध कैसे टूटे उस समय मध्यकाल में। भारत और इन देशों में के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध संपर्क तभी टूटे जब इंडोनेशिया में डचों, भारत बर्मा और मलाया में अंग्रेजों तथा आगे चलकर हिंद चीन में फ्रांसीसियों ने अपने पैर जमा लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आप लोग जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग प्रॉपर वे में मैंने टेस्ट सीरीज वाली वीडियो भी जो है करवा दी है। टेस्ट सीरीज जो है, यानी कि टेस्ट सीरीज का मतलब एमसीक्यू जो है, इस बुक के एमसीक्यू वाला पोर्शन जो है क्लास 11th की जो हिस्ट्री वाली बुक है, यानी कि एनसीईआरटी की हिस्ट्री वाली जो बुक है, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। देखिए कोशिश मैंने ये भी की है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है, जो एनसीईआरटी हिस्ट्री के एमसीक्यू वाले वीडियो उसका लिंक भी दे दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप इनके जो वीडियो है, यानी कि सतीश चंद्रा वाली बुक के जो वीडियो है, यानी एमसीक्यू की वीडियो है, वो भी आप लगा लें ताकि आपकी पूरी तरह से स्वामित्व आपका हासिल हो जाए बुक पर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज हमारा पहला दिन पसंद आया होगा, पहला लेक्चर पसंद आया होगा इस बुक का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।